अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज एक और वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में जो आपको सीन बताने वाला हूँ ना, वो हुआ है कल मेरे साथ। वो आज की वीडियो ही स्टोरी टेलिंग पे है, क्योंकि आज हम लोग कल जो मेरे साथ सीन हुआ है ना, वो आप समझ नहीं सकते क्या सीन हुआ। मतलब मेरी दिल की जो धड़कन है ना मेरी, मतलब जो मेरी जान थी वो चली गई है। सही है, आप समझ रहे होंगे, वो चीज़ नहीं है, एक चीज़ है, वो आपको बताऊँगा अभी आगे। सही है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहेगा। रिशान अली ब्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए अपनी वीडियो आज की स्टोरी टेलिंग शुरू करते हैं। सही है, तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कल मेरे साथ एक सीन हुआ है, तो वो सीन मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो यार, मेरी जो है ना बाइक है, जो है रानी जो है मेरी, वो चोरी हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि जो बाइक जो थी, आप लोगों ने बाइक के ब्लॉग्स भी देखे होंगे। सही है, कल हुआ है मेरे साथ ये सीन। सही है, कल मैं पता नहीं, कल जुम्मा था ना, कल मैं गया नमाज़ पढ़ने। सही है, नमाज़ पढ़ने गया मैं। ये आप लोगों को पता होगा, शादमान में जो है बाबर अहमद मस्जिद है, ये शादमान पीछे ही बाबर अहमद मस्जिद है, अगर आप लोग रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। वहीं से मैं गया हूँ। सही है, वहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करी है, वहाँ पे मैंने अंदर गया हूँ, नमाज़ पढ़ी है। जैसी नमाज़ पढ़ के मैं बाहर निकला हूँ, मैंने देखा बाइक गायब। अब मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं फटाफट पे अंदर गया, मस्जिद के इंतज़ामिया के पास गया। मैंने बोला भाई कैमरा वैमरा लगा हुआ है, उन्होंने कहा मस्जिद के अंदर कैमरा ही नहीं है। लो भाई, मैंने कहा फिर तो और ही कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। फिर हम लोग जो है, फिर मैंने सोचा यार कि अगर बाइक तो वैसे मिलती ही नहीं है कराची में, आज तक कोई चीज़ घूमने के बाद मिली नहीं है, तो मैंने सोचा यार अगर इस बाइक के साथ कोई वारदात करे या कोई भी चोरी चकारी करे तो हमारे पास इल्ज़ाम ना है। तो हम सीधा चले गए दोस्त के साथ, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जैसे ही गए तो वहाँ पर, तो फिर बात ये लगे, वहाँ तो फिर जानने वाले ही मिल ही जाते हैं। तो जैसे पुलिस स्टेशन गए ना, तो वहाँ पे मिल गया हमें एक जानने वाला। तो हमने यार बोला उसके, यार ये सीन हुआ है मेरे साथ अभी पीछे, आधे घंटे की बात है अभी सीन हुआ ये, तो देखो ज़रा क्या सीन है। तो उसने जो है ना, हमने वो लिखवा दी, क्या कहते हैं, रिपोर्ट विपोर्ट लिखवा दी उसको। वो कह रहा है यार अगर होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर मिलती है। मतलब FIR कटवाने के बाद मुझे सुकून नहीं मिला, कि मैंने कहा यार बाइक को मैं खुद ढूंढता हूँ। कल मैं खुद निकल गया बाइक पर, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल बाइक पे निकलता आपको पता है पूरा शादमान घूमने में, नागन घूमने में, यूपी घूमने में पेट्रोल की जो है ऐसी की तैसी है। तो फिर मैंने जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक निकाली। वो मैंने, पता है आप लोगों को, एक इलेक्ट्रिक बाइक जो होती है, मतलब वो आई हुई थी। सही है, इलेक्ट्रिक बाइक निकाली मैंने, उस पर मैं ले गया कज़न को अपने साथ। पूरा मैंने शादमान, पूरा नागन, पूरा यूपी, हर जगह घूम लिया मैं। मतलब शादमान की सारी गलियों में देख लिया, शादमान के सारे इलाके में देख लिया, और जो अल्लाह वाला करे आपका यूपी की साइड भी मैं गया था, यूपी पे भी देखा मैंने, नागन पे भी देखा पीछे। लेकिन बाइक का जो है ना मेरी कोई हर गली में देख लिया, मतलब इतने आप सोचो इतना मुझे प्यार था अपनी बाइक से, हर जगह देख लिया, बाइक नहीं मिल के दी यार। अब आप लोग बताएं कि क्या होगा इस कराची में, लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं। मतलब 5-10 मिनट की नमाज़ होती है जुम्मे की, अगर आप जल्दी जाके पढ़ गया। 10 मिनट में मैं गया हूँ नमाज़ पढ़ के, जैसी बाहर आया हूँ और देखा बाइक गया है। मतलब क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने इतना परेशान हो गया मैं वहाँ पे। मैंने बोला यार ये हो गया, फिर मैं फटाफट घर आया भागते हुए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ, मैं बाइक उठाई गया ढूंढा, अब मिली नहीं थी, अब बताएं क्या करूँ मैं। अब ये तो आप लोगों को पता है कराची में मिलती नहीं है, उम्मीद तो मैंने छोड़ दी है। सही है, तो अब इंशाल्लाह जब दूसरी बाइक लेंगे तो आप लोग वो भी दिखाएंगे। आपने देखा होगा कितने मेरे साथ, कितने सारे व्लॉग बने इस बाइक पे, हम धुलवाने गए, वहाँ गए, इतना हमने बहुत इन्जॉय करा इस व्लॉग बाइक पे। तो आप लोग भी इस व्लॉग को जो है आगे शेयर करेगा, ताकि हर किसी तक ये पैगाम पहुँचे। और मस्जिद का नाम था बाबे रहमत, तो मतलब लोगों के अंदर से जो है ना एहसास ख़त्म हो गया। मतलब यार मस्जिद के बाहर से आप देख रहे हो, अल्लाह के घर के बाहर से आप चोरी कर रहे हो। मतलब मस्जिद के बाहर चलो चप्पल समझ में आता था, लोगों को चलने की ज़रूरत की चीज़ है ये, मतलब बाइक चुरा के लेगा यार। मतलब बंदा चलो कोई 10-20 रुपए की, 1000-2000 की चीज़ नहीं है, मतलब 25-30-40 हज़ार रुपये की बाइक चोरी हो गई यार, क्या कर सकते हैं हम। अब जो लेंगे बाइक तो वो देखेंगे कितने की लेते हैं और कौन सी लेते हैं बाइक। सही है, तो मसला ये हो गया कि कोई बाइक हमें जो है ना मिल नहीं रही है, अभी मुझे ढूंढनी है बाइक। सही है, अपनी पुरानी वाली भी और अपने लिए दूसरी भी ढूंढनी है। तो गाइस, मैं जैसे आप लोगों को बोलने वाला था कि यार बाइक आप लोगों, मैंने तो अपनी पूरी जी जान लगा के ढूंढ ली है बाइक। तो यार मैंने जो आप लोगों को एक चीज़ बोलनी थी कि डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं सारी चीज़ की डाल दूंगा, बाइक की पिक्चर भी डाल दूंगा और नंबर भी डाल दूंगा, अपना मॉडल नंबर सब कुछ डाल दूंगा, जहां आपको बाइक दिखे। सही है, ब्लैक कलर है बाइक का, सही सुपर स्टार बाइक है, नंबर प्लेट सब कुछ लगी हुई, हॉर्न वॉर्न बिल्कुल ना समझे, नई बाइक की तरह थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चली गई। आप लोग देखेगा लॉक वॉक सब लगा के गया हूँ यार, मतलब पता नहीं कैसे ले गया बंदा, सब चीज़ें कर दी उसमें, पता नहीं कैसे लेके गया बंदा। अब चली गई, क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान जाने वाली चीज़ चली गई, तो भाई
तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, क्योंकि आज के मेरे जो स्टोरी टाइम आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों में, आप देख सकते हैं। तो आप जो है ना यार, बस अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, आंखें मेरी लाल हो रही हैं, मुझसे बताया नहीं जा रहा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से जाके जो है ना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि शेयर करेंगे तो बाइक आएगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।